खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब बनाते हैं एक लहसुन वाली मछली लाल मिर्च के साथ, खट्टी मीठी तीखी। और ये जो फिश है ये पॉम्फ्रेट फिश बनाएंगे, होल फिश बनाएंगे, और चाइनीज थाई लोग काफ़ी इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये फिश। और इसके लिए करना क्या है, मैं ज़रा प्याज ये ढेर सारा लेता हूँ। तो प्याज इसके लिए ये लीजिए। अब ये जो हरा प्याज है इसको इस तरह से, इसके लिए जो फिश है पॉम्फ्रेट फिश ली है, और पॉम्फ्रेट फिश को हमने फ्राई करना है। अच्छा, इस पॉम्फ्रेट फिश को जिस तरह से काटा गया है इसको हमने बोनलेस किया है, ये देखिए। अच्छा, ये फिश में थोड़े से ये इस तरह से चीरे लगा देते हैं। और अब इसमें नमक और उसके साथ साथ कॉर्न स्टार्च। चलिए, फिश हमने तैयार कर ली है। और ये जो मेरे पास स्प्रिंग अनियन है ये ले लेते हैं, और अब छन्नी में डाल के इसे फ्लैश फ्राई करना है हमने। ये देखिए, बस ये हो गया फ्लैश फ्राई। इसकी सॉस की भी तैयारी कर लेते हैं। ये पैन में, ये तेल में स्प्रिंग अनियन और ढेर सारा लहसुन, और अब इसमें डालते हैं हम लाल मिर्च की पेस्ट। ये डाली लाल मिर्च की पेस्ट, उसके साथ इसमें डाल दें पानी, इसे कर देते हैं मिक्स। चलिए, जब तक ये तैयार होता है हम फिश ले लेते हैं। और ये जो फिश है इसको इस तरह से हम फ्राई करेंगे, थोड़ा फ्लैट करके इसको। पूरी की पूरी फिश इस तरह से फ्राई कर लें। अब ये जो फिश है देख लेते हैं इसकी क्या हालत है। वाव, नाइस। और ये जो मेरे पास स्प्रिंग अनियन है ये लेकर थोड़े से ये नीचे, और फिर ये जो फिश है ये ली, तेल इसमें से एक्स्ट्रा निकाला और इस फिश को रख दिया इसके ऊपर। और अब ये सॉस, सॉस के लिए मैंने कॉर्न स्टार्च थोड़ा पानी में घोल के रखा हुआ है, लेकिन और भी चीज़ें डालनी हैं सॉस के अंदर, तो वो क्या क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो नमक, नमक स्वाद अनुसार, चीनी थोड़ी ज़्यादा डलती है इसमें, तो चीनी। और इसमें ये कॉर्न स्टार्च पानी के अंदर घुला हुआ वो इसके अंदर ये डाल दिया। मुझे चाहिए विनेगर, सिरका, वो इसके अंदर ये कर लिया मिक्स। और ये तैयार हो गई हमारी सॉस, फिश तैयार है। इसके ऊपर पोर कर देते हैं ढेर सारी गार्लिक वाली सॉस, ये लीजिए। भाई वाह। और ये जो हमारे पास फ्लैश फ्राई किए हुए स्प्रिंग अनियन है वो लेकर, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स इस पे, और इसका मज़ा लें गर्मा गर्म, चाहे तो स्टीम राइस के साथ, नहीं तो ऐसे ही नूडल्स के साथ। वैसे ऐसे ही खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन तीखी होगी, तीखा कम करना चाहते हैं तो लाल मिर्च जो पिसी हुई है वो ड्राई रेड चिलीज ऐसी लें जो तीखी ज़्यादा ना हो। लेकिन मज़ा तभी आता है लहसुन ज़्यादा हो, मिर्चें ज़्यादा हों, थोड़ी मिठास भी हो, थोड़ी खटास भी हो। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। चिली गार्लिक फिश के लिए हमें चाहिए दो पॉम्फ्रेट फिश साफ की हुई, नमक स्वाद अनुसार एक चौथाई कप, और एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, दो बड़े चम्मच और तलने के लिए तेल, दो हरी प्याज की डंडियां कटी हुई, 20 कलियां लहसुन की कटी हुई, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 5 छोटे चम्मच चीनी और 2 बड़े चम्मच विनेगर। इसे बनाने के लिए बोनलेस पॉम्फ्रेट के अंदर नमक और कॉर्नफ्लावर लगाएं और इसे तलें और निकाल लें। हरी प्याज की कटी पत्तियों को भी गर्म तेल में तलकर निकाल लें।
एक पैन में तेल गरम करके इसमें हरी प्याज, लहसुन, लाल मिर्च की पेस्ट डालकर भूनें। इसमें 2 कप पानी, नमक और चीनी डालकर पकाएं। अब 1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च पानी के अंदर घोलकर इस पकी सॉस में डालें। इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। इसमें विनेगर डालकर मिक्स करें और सर्व करने के लिए डिश में तली हुई हरी प्याज के ऊपर तली फिश को और तैयार सॉस को डालें और इसे हरे प्याज की कटी पत्तियों से सजाकर सर्व करें गर्मा गर्म। कोकोनट, जी हाँ, कोकोनट, नारियल, श्रीफल, ये सब चीज़ों से एक हम बनाते हैं स्नैक। बड़ा सिंपल सा है। नारियल निकाल के उसका जो फ्लैश है, ब्राउन हिस्सा निकाल लेना है और उसके बाद नारियल को ग्रेट करना है लंबा लंबा, स्क्रेप नहीं। तो ये नारियल और ये जो सारी तैयारी नारियल की हमने करनी है, ये इसलिए कि हम बनाएंगे प्रॉन की एक डिश। जी हाँ, इसके लिए मीडियम साइज़ के प्रॉन्स ले लें और ये जो प्रॉन्स हैं, ये प्रॉन्स को हमने मसाले में थोड़ा मैरिनेट करना है। तो ये जो प्रॉन्स हैं, इसे, इसकी जो टेल है, ये भी निकाल लेते हैं। और अब इन प्रॉन्स में थोड़ा सा नमक और उसके साथ साथ इसमें डालते हैं लाल मिर्च और इसके साथ साथ नींबू। और अब इसमें क्या डालना है? अब इसमें डालना है मैदा। तो मैदा ले लेते हैं। मैदा डाल के इसे कर लिया मिक्स और इसको इसी तरह से रहने दें करीब 15-20 मिनट तक। और उसके बाद से हम लगाएंगे इन 7 स्टिक्स के ऊपर जितने प्रॉन्स, ये टेल एंड से इसे लिया और प्रॉन को सीधा करते गए लगाते समय। और अब हमें चाहिए अंडा, ये ले लिया और इस अंडे में डालें नमक और इसका बनाएं ऑमलेट। जी नहीं, ऑमलेट ही बनाएंगे, बस सिर्फ अंडा लेके ये जो प्रॉन्स हैं इसको हल्का सा इसमें डिप करें और फिर ये जो नारियल है इसको इस पे लगाएं और अब इसे हम फ्राई करते हैं। अब ये जो प्रॉन्स हैं इसको चेक कर लेते हैं कि हाल क्या है इसका। वाह, हाल तो ठीक ही लग रहा है। प्रॉन्स बहुत जल्दी पक जाते हैं और ना ही आप इसे ज़्यादा देर तक पकाएं और फिर इसे सर्व करने के लिए इसी के अंदर अगर रखा जाए, ये हो गया कोकोनट प्रॉन तैयार। अभी बनाइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कुछ वेजिटेरियन चीज़ में इस तरह से आप लगा के देखें नारियल को, पनीर के साथ ट्राई करें, कोशिश करें। मैंने ट्राई नहीं किया। खैर, अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। कोकोनट प्रॉन्स के लिए हमें चाहिए 1 कप ताज़ा नारियल किसा हुआ, 20 प्रॉन्स साफ किए हुए नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1/2 कप मैदा, तलने के लिए तेल और 2 अंडे। इसे बनाने के लिए प्रॉन्स में नमक, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस और 2 बड़े चम्मच मैदा डालकर मिक्स कर लें। इसे करीब 1/2 घंटे तक मैरिनेट करें। अंडों में नमक डालकर इसे फेंट लें। इन मैरिनेटेड प्रॉन्स को 7 स्टिक्स पर लगाएं और फिर फिटे हुए अंडों में डुबोकर बचे हुए मैदे में रोल करें। इसके बाद इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल हाथ से अच्छी तरह से लगाकर दबा लें और इन्हें गरम तेल में सुनहरा होने तक तलें और फिर परोसे गर्मा गर्म। तो चॉकलेट से कुछ बनाते हैं, एक पुडिंग, गरम ठंडी जैसे भी हो, लेकिन कैसे बनेगी ये पुडिंग? बहुत ही कमाल की पुडिंग है ये। अब इसके लिए चलिए पकाना है हमें थोड़ा चावल। चावल जो है वो कैसे पकेगा? वही भीगा हुआ चावल और चावल को हमने पकाना है। अच्छा, चावल इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बासमती चाहिए, सेला चाहिए, ऐसे चाहिए, सस्ते वाले चावल लें। और इसमें दूध इसमें डालकर इसे हम पकने देते हैं और बीच बीच में हिलाते ज़रूर रहें, चलाते ज़रूर रहें इसे, ताकि ये जो चावल हैं वो नीचे लगे नहीं, जले नहीं। तो इसे
पकाते रहें ताकि ये गाढ़ा हो जाए। चलिए कुछ देर पकाते हैं इसे हम ताकि ये गाढ़ा हो जाए, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये मावा। ये देखिए, अच्छा ये मावा आपको कम डालना है तो कम डाल सकते हैं, मावा नहीं डालना है तो ना भी डालें, आप आपकी मर्जी है। ये मावा यानी खोया, इसके अंदर इसे मिक्स करते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम डालते हैं चीनी, ये चीनी। और चीनी अगर आपको नहीं डालनी है, अगर आपको कोई इसमें शुगर सब्स्टिट्यूट डालना है तो आप डाल सकते हैं चीनी स्वाद अनुसार। ये लीजिए, ये दूध, चावल, मावा, चीनी। इसके अंदर कुछ इलायची वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है क्योंकि इसमें हम टेस्ट देना चाहते हैं वॉलनट और चॉकलेट का, वॉलनट गिरी, ये इसके अंदर क्रश्ड वॉलनट गिरी यानी अखरोट की गिरी, ये इसके अंदर डालकर मिक्स करें। और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये ले लिया हमने इस बोल के अंदर। इसके अंदर हम डालते हैं चॉकलेट, आप डार्क चॉकलेट डालें, ये देखिए, और फिर इसे कर दें मिक्स। फिर इसे मैं तो कहूँगा परोसें किसी इस तरह के बोल में, ये देखिए, और इसके बाद इसे रख दें चिल करने के लिए फ्रिज में। जब आपने इसे परोसना हो तो ऊपर ये चॉकलेट और उसके बाद इसके ऊपर ये वॉलनट गिरी, बस ये तैयार, इसको परोसे चिल्ड। हाँ, जब इसे बनाया जाता है तो गर्मा गर्म भी खाने का बहुत दिल करता है, उस टेम्पटेशन को रिजिस्ट करें क्योंकि ज़्यादा खाते जाएंगे, ज़्यादा मोटे होंगे और फिर आप कहेंगे कि संजीव कपूर ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे वज़न बढ़ता है। मैं साथ साथ ये भी बताता हूँ कि जब ऐसा कुछ खाएं दौड़ें, मैं दौड़ रहा हूँ। नमस्कार। चॉकलेट वॉलनट खीर, इसके लिए हमें चाहिए आधा कप चॉकलेट ग्रेट की हुई, आधा कप अखरोट भुने हुए और कुटे हुए, दो बड़े चम्मच चावल, चार कप दूध, एक चौथाई कप खोया ग्रेट किया हुआ, एक तिहाई कप चीनी, और गार्निश करने के लिए दो बड़े चम्मच ग्रेटेड चॉकलेट और कुछ अखरोट। इसे बनाने के लिए एक पैन में चावल और दूध डालकर इसे गाढ़ा होने तक पका लें। इसमें मावा और चीनी डालकर कुछ देर तक और पकाएं। अब इसमें कुटे हुए अखरोट डालकर मिक्स कर लें और इस खीर को एक बोल में निकाल लें। इसमें आधा कप ग्रेट किए हुए चॉकलेट डालें और इसे सर्विंग बोल में निकाल कर चॉकलेट और अखरोट से सजा कर सर्व करें। बनाते हैं मिनिएचर लेमन कर्ड टार्ट मैंगो के साथ, देखते रहिए। इसके लिए मैदा इसके लिए चाहिए और इसमें डालें डेसिकेटेड कोकोनट और इसमें चीनी, आइसिंग शुगर, ये तीनों चीज़ें कर ली मिक्स, और फिर इसके अंदर ये मक्खन, मक्खन जो है ये मेल्टेड मक्खन नहीं चाहिए हमें, और अब इसको इसमें हम मिक्स करेंगे। दो चीज़ें मिक्स की जा सकती हैं, आप चाहें तो इसको अंडे के साथ बना सकते हैं, और अगर अंडा नहीं डालना है आपने तो इसमें डालें थोड़ा सा चिल्ड पानी। ये देखिए, ये हो गया बाइंड, और अब इसको आप, ये जो डो बना है इसे आप रख दें फ्रिज के अंदर। चलिए ये तैयार हो गया। अब इसे बेक करने के लिए ये मेरे पास छोटे मफिन मोल्ड हैं, तो इसको हल्का सा ग्रीस करें, थोड़ा सूखा मैदा ले लें और इसे थोड़ा पतला बेल लेते हैं हम गोल मैदे के साथ। ये हो गया, ये ले लिया और इसको डाला इसके अंदर, इसे हम काट लेते हैं, आप इसे काट लें, ज़्यादा बड़े साइज़ के हमें चाहिए ही नहीं, तो ये ले लिया। मेरे पास छोटा टार्ट शेल भी है, बस इसी तरह से बेला और इसको डाला इसके अंदर और फिर
इसे फोल्ड कर दें। बस यहां से इसको हाथ से निकालते जाएं। इसे बनने के बाद में आप चिल कर लें। जी हाँ, करीब 15-20 मिनट तक इसे चिल करें बेक करने से पहले, और इसमें कांटे से इस तरह से आप प्रिक भी कर दें। ये देखिए, ये थोड़ा प्रिक कर दें और इसे बेक करें। और बेक आप कर सकते हैं इसे ब्लाइंड बेक जब करना है, तो इसमें आप ये राजमा डाल के, जी हाँ, ये राजमा डाल के बेक किया जा सकता है। इसको अवन में रख दें आप। चलिए, ये मैं अवन में रख देता हूँ बेक होने के लिए। और वैसे कुछ पहले से बेक करके हमने रखे हुए हैं, और अब हम बनाएंगे इसकी बीच की फिलिंग। तो इसके लिए हमें चाहिए एग योक चाहिए, करीब 4 अंडे चाहिए, और ये एग योक जो हैं इसे मिक्स कर लेते हैं हम। और इसमें डालते हैं पिसी हुई चीनी। ये मिक्स हो गई और अब ये ले लिया हमने। और ये लेमन कर्ड बनाने के लिए इसको हम डबल बॉयलर पे, ये नीचे पानी और डायरेक्ट हीट ना लगे, इसके साथ साथ नींबू का छिलका, नींबू के छिलके को ग्रेट करके इसके अंदर डालें। और अब देखिए, धीरे धीरे ये जो चीनी है ये मेल्ट होगी। अब इसमें हम डालते हैं ये मक्खन, और मक्खन जो है इसमें एक एक करके डालें। और जब ये गाढ़ी हो जाए और ये कोट करनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है ये जो लेमन कर्ड है ये तैयार है। और उसके बाद इसे निकाल कर हमें ठंडा करना है। ये हमने लेमन कर्ड, ये देखिए, ये रखी हुई है, और पाइपिंग बैग में इसे डाल लेते हैं। और ये जो हमारे पास टार्ट हैं ये ले लेते हैं। आप चाहें तो थोड़ा आम भी ले सकते हैं इसमें डालने के लिए, तो आम के पीसेस। अब पहले तो ये लेमन कर्ड, और लेमन कर्ड ये लीजिए, ये हो गई। और अब कुछ में आम लगा सकते हैं, आप चाहें तो फ्रेश चेरी कुछ में लगा सकते हैं, और कुछ में आप चाहें तो आम और चेरी दोनों लगा सकते हैं। और इसके बाद इसको आप खाएं चिल्ड। वैसे इसमें जो टेस्ट है वो तो प्लेन लेमन कर्ड का ही है, बाकी जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो अलग से कैरेक्टर ऐड करते हैं। तो छोटे लेमन टार्टलेट्स मैंगो के साथ, चेरी के साथ, और शेल में भी है कोकोनट, एकदम अलग। थोड़ी सी मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन एक बार खाना शुरू हो जाए तो उसके बाद खाते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं खाइएगा, ठंडे करके खाइए और शेयर करें। छोटे छोटे हैं, 2 खा लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रीकैप। लेमन कर्ड टार्ट के लिए हमें चाहिए 225 ग्राम मैदा, 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 2 बड़े चम्मच और डस्टिंग के लिए आइसिंग शुगर, 85 ग्राम मक्खन, 1 आम स्लाइस किया हुआ, और फ्रेश चेरीज आवश्यकता अनुसार। लेमन कर्ड के लिए 4 अंडों की जर्दी, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1 बड़ा चम्मच नींबू का छिलका कुतरा हुआ, 1/4 कप नींबू का रस, और 180 ग्राम मक्खन। इसे बनाने के लिए मैदे में डेसिकेटेड कोकोनट, चीनी और मक्खन डालकर इसे हाथ से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंद लें, और इसके बाद इसे कुछ देर तक रेफ्रिजरेटर में रख दें। इस गूंदे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें और फिर इसे बेल लें। मफिन मोल्ड को ग्रीस करके, इसके बाद छोटे मोल्ड या टार्ट मोल्ड को ग्रीस करके इसे इसके अंदर रखें। किनारों से काट कर बचा हुआ मैदा निकाल लें। इन मोल्ड्स को रेफ्रिजरेटर में करीब 15-20 मिनट तक रखें और फिर कांटे से गोद लें। अब इसे करना है ब्लाइंड बेक राजमा डालकर। इसे प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 12 मिनट तक बेक कर लें। फिर इसमें से राजमा निकाल लें और इन्हें ठंडा कर लें।
लेमन कर्ड के लिए एक बोल में अंडों की जर्दी ले लें, इसमें पिसी हुई चीनी डालकर मिक्स कर लें। अब इसे एक पैन में डालें और डबल बॉयलर पर थोड़ा पका लें। इसमें नींबू का छिलका, नींबू का रस और मक्खन को थोड़ा थोड़ा करके डालें, लगातार मिक्स करते रहें। जब ये अच्छी तरह से काफ़ी स्मूथ हो जाए और गाढ़ा हो जाए, पक जाए, तो इस लेमन कर्ड को ठंडा करके पाइपिंग बैग में डालें। इसे बेक टार्ट शेल में डालें और चाहें तो कटे हुए आम या चेरी से सजा कर परोसें इसे ठंडा ठंडा।